बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पेपर हैकर में। मैं सूरज राज आज के इस वीडियो देखने वाले हैं जो भी छात्र बीए सेकंड सेमेस्टर में है उनके लिए मैं लेके आया हूं। देख सकते हो ये है आपका डिफेंस एंड स्टैटिक स्टडीज का पेपर हो जाएगा। और ये पेपर आप जो देख रहे हैं ये बीएससी सेकंड सेमेस्टर वालों का है और ये 2022 में जो आपका पेपर होने वाला है उसमें आने वाले क्वेश्चन की बात करूंगा। आप इन क्वेश्चनों को याद करके 85% प्लस लाओगे, मतलब कि 2022 के आप टॉपर बनने वाले हो। ये कह सकते हैं कि 2022 के आप टॉपर बनने वाले हो। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सभी लोग वीडियो को एक बार शेयर कर देंगे और चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और मैं आपसे वादा करता हूं कि जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं बस वही पढ़िए और बाकी कुछ और आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि आपको वही आएगा। आपने यदि फर्स्ट सेमेस्टर के भी आपने पेपर दिए हैं और आपने मैंने जो क्वेश्चन दिए वही आए हैं, ये आप प्रूफ करके मैंने दिखाया कि भाई देखो ये क्वेश्चन मैंने जो दिए थे वही पेपर में छपा है, कुछ भी बाहर नहीं आया। इसी तरीके से सेकंड सेमेस्टर का भी मैं आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं और इनकी सारी क्लासेस चल रही है। इन क्वेश्चनों के आंसर कैसे आप याद करेंगे, हमारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप सर्च कर लेना। गूगल पे सर्च करोगे ना paperhacker.in, एक हमारी वेबसाइट है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर आप विजिट कर दी जाए, मतलब उसको टच करेंगे तो आप हमारी साइट पे पहुंच जाएंगे और वहां जाके अपने नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। जाइए डाउनलोड कर लीजिए और उस साइट को फॉलो कर लेना ताकि कोई भी नोटिफिकेशन वहां कोई भी पोस्ट डाले आपको मिलनी चाहिए। अब यहां देखो आपका भाई बहन बीए बीएससी बीकॉम हाई स्कूल इंटर किसी में भी है, एलएलबी बीए एबीसीए बीबीए ठीक है और बीएलएड डीएलएड ठीक है, कुछ भी कर रहा है कह सकते हैं, सारे नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। आप देखो कौन कौन से क्वेश्चनों को आपको याद कर लेना, मैं यहां आपको टिक लगा रहा हूं, आप वही पढ़ना बाकी कुछ और नहीं पढ़ना है। अपने बुक आप नोट्स वगैरह मार्केट से ले आए उस पर टिक लगा लो, क्योंकि बहुत सारे नोट्स आपको देखने को मिलते हैं, बहुत बहुत मोटे नोट्स आ रहे हैं, अब उनको छोटा करने का हक हमारे अंदर, मतलब हमारे अंदर वो पावर है जो हम उसको छोटा कर सकते हैं ठीक है। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से आपको छोटा करना, चल को भी सब्सक्राइब कर लेना फटाफट कर लो बेटा। और अपने देखो पहले क्वेश्चन पे टिक लगाएंगे, पहला क्वेश्चन है यहां बोला गया है कि जो वैदिक काल है उसमें जो सैन्य व्यवस्था थी, मतलब कि सैन्य की व्यवस्था का मतलब है जो सेनाएं रहती थी, सेना की जो व्यवस्था थी उसका आपको बढ़ना है, वर्णन करना है। वर्णन कौन से में, वो भी करनी है हमें, कौन से काल में, वो है वैदिक काल में। अब वैदिक काल में क्या हुआ कि सैन्य व्यवस्था का वर्णन करना, मतलब कि बाहर जो सेना थी वो कैसी थी, उसकी व्यवस्था क्या थी, क्या पोजीशन में उसका, यहां कह रहा है संगठन एवं यहां बोला कि युद्ध कला के बारे में आपको बताना है, वो किस तरीके से युद्ध करती थी और उसका संगठन मतलब किस तरीके से गठन हुआ था उसका, उस सैन्य व्यवस्था का ठीक है। ये पहला क्वेश्चन आपका हुआ मोस्ट इंपोर्टेंट। उसके बाद में हमारे सामने आ गया दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है कौटिल्य, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपसे कह सकता हूं कि 100% आपके पेपर में मिलेगा। यह कौटिल्य एक प्रतिभाशाली सैन्य विशेषज्ञ था, यहां कह रहा है जो कौटिल्य था वो प्रतिभाशाली सैन्य विशेषज्ञ था ठीक है, और उनके द्वारा यहां कह रहा है उनके द्वारा वर्जित अंतर्राष्ट्रीय या ठीक है अंतरराष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय की जगह से आपसे पूछ लेगा कि अंतरराज्य संबंधों के साधनों की विवेचना करिए, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौटिल्य एक प्रतिभाशाली सैन्य विशेषज्ञ था, कह सकते हैं वो एक सैन्य विशेषज्ञ था, वो ऐसे करके ऐसे बहुत बहुत प्रतिभाशाली था कह सकते हैं, और कौटिल्य द्वारा वर्णित अंतर्राष्ट्रीय या फिर अंतरराज्य संबंधों को बारे में आपको बताना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को समझ लेना मेरी बात को, 100% आपके पेपर में छपेगा, क्योंकि मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूं जो आपके पेपर में आ रहा है, बाकी कुछ नहीं करा रहा फालतू। मेरा मकसद वही है आपको प्रॉपर बनाना, 85% प्लस लिख के ले लेना, जैसा ही पेपर होगा वैसा ही एक एक क्वेश्चन फंसेगा। दूसरा क्वेश्चन पर टिक लगा लो फटाक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्तकालीन सैन्य संगठन, मतलब कि गुप्तकालीन मतलब कि गुप्तकालीन गुप्त काल में सैन्य संगठन कैसे हुआ था, सेना का गठन कैसे हुआ था यह बताना है, और उस समय सशस्त्र और युद्ध कला के बारे में, मतलब कि जो जो हथियार थे और युद्ध कला कैसे लड़ा करते थे उस कला के बारे में एक्सप्लेन करना है। यहां राजपूत कालीन सैन्य व्यवस्था, मतलब कि जो राज, आपने आज भी सुना होगा कि राजपूत बटालियन है ठीक है ना, बटालियन बोलते हैं
राजपूत कालीन सैन्य व्यवस्था क्या है और उसके पतन का कारण, मतलब कि राजपूत के सैन्य व्यवस्था के हारने का कारण क्या था। पतन का मतलब होता है हारना, युद्ध में हारना पतन कहलाता है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को, इस बात को आप फोकस करना, मेरी बात को ध्यान से समझना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, यहां देखिए, यहां बोला गया है तराई के प्रथम संग्राम, मतलब कि प्रथम युद्ध के बारे में और द्वितीय संग्राम के बारे में, द्वितीय युद्ध के बारे में। जो तराई का पहला युद्ध हुआ था वो 1191 में हुआ था और दूसरा जो युद्ध हुआ था वो 1192 में हुआ था। इन दोनों के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, एक युद्ध जरूर आएगा। उसके बाद में है, यहाँ है मनसबदारी प्रथा क्या होती है। मनसबदारी प्रथा क्या होती है, तोप खाने का कारण आपको बता देना है। पानीपत का प्रथम संग्राम मतलब पहला युद्ध 1526 में हुआ था, उसके आपको बताना है। द्वितीय युद्ध कब हुआ था, 1556 में हुआ था। तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। तीनों युद्धों के बारे में पढ़ लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खानवा का युद्ध जो हुआ था वो बाबर के द्वारा हुआ था, आपको पता है। और ये कब हुआ, 1527 में हुआ था। और ये यहाँ साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर टिक लगा लेना, वो पूछा गया, शिवाजी के काम में मराठा सेना अपनी चमोत्कस पर दी। अब ये आपको बताना है, ये क्वेश्चन खास है, इंपोर्टेंट है, आप इसको टच कर लेना, टच कर लेना है। और इसके मतलब सिख सैन्य, सिख सैन्य जानते हो, सिख मतलब जो सरदार वगैरह होते हैं उनकी सैन्य मतलब सेना पद्धति, मतलब कि सेना की पद्धति कैसी थी और युद्ध कला कैसे वो युद्ध करते थे, उनका गठन कैसे हुआ था और उन्हें क्या क्या सुधार करना चाहिए अपने युद्ध कलाओं में, वो आप देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ईस्ट इंडिया कंपनी, मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट पे लगा देना इस क्वेश्चन को, मोस्ट इंपोर्टेंट है ईस्ट इंडिया कंपनी के। ईस्ट इंडिया कंपनी के यहां बोला गया है अधीन भारतीय सेना के, ठीक है, संगठन पर प्रकाश डालिए। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारतीय सेना के संगठन पर आपको प्रकाश डालना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मोस्ट पे लगा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की जो क्रांति हुई थी, आपको पता होगा 1857 की क्रांति कितनी मशहूर है, रूस की क्रांति से बोलते हैं, और इसकी असफलता का कारण क्या था, वो किस तरीके से हार गई, असफल कैसी रही, वो आपको देखना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे रसगुल्लो, समझ रहे हैं ना आप सभी लोग, इसको देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो प्रेसिडेंसी सेना होती है और सैन्य में सुधार, मतलब प्रेसिडेंसी सेना और सैन्य में सुधार किस तरीके से करना चाहिए, इस क्वेश्चन को आप एक बार पढ़ के चले जाना। यदि एक एग्जामर आपसे कहे कि भाई इस क्वेश्चन को करके दिखा दो, तो आप इस क्वेश्चन को बना बना के कर दो, यदि आप इस क्वेश्चन को एक बार पढ़े होंगे तो, समझ रहे हैं। उसके बाद में आ गया स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम भारत और पाक संग्राम जो हुआ था, पहला जो प्रथम लड़ाई हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच में 1947 में, ठीक है, 1947 और 1948 बोला गया है जब हुई थी, उस समय आपको संक्षिप्त में वर्णन करना है। पहली बार जो हमारी स्वतंत्रता के पश्चात जब हमें स्वतंत्रता प्राप्त हो गई थी, उसके बाद में यहां कह रहा है कि भाई तुम्हें लड़ाई हुई हिंदू और कह सकते हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, उस समय 1947-1948 में जो लड़ाई हुई थी उस लड़ाई के बारे में आपको बताना है, याद कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार इस वीडियो को सभी लोग लाइक और शेयर कर देंगे, अपने दोस्तों तक पहुंचाना है। आपका भाई बहन हाई स्कूल इंटर बीए बीएससी बीकॉम एमएमएससी एमकॉम बीएलएड एलएड जो भी कर रहा है, आप सभी लोग नोट्स को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर जाकर, paperhacker.in, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर डाउनलोड कर लीजिए। और जितने भी हमारे चैनल है, खिलाड़ी भैया एक्स वाई जेड बीएससी वाई पेपर हैकर बीए वाई पेपर हैकर एमए वाई पेपर हैकर, सबको सब्सक्राइब कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखिए, यहां है 1962 के भारत और चीन युद्ध, मतलब कि भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था 1962 में, उसको एक बार पढ़ लेना। और भारत और पाकिस्तान का द्वितीय जो युद्ध हुआ था वो 1965 में हुआ था और तृतीय युद्ध जो हुआ था 1971 में हुआ था। तीन बार युद्ध हो चुका है, याद रखना, समझ रहे ना। पहला युद्ध 1947 से 1948 में हुआ, दूसरा युद्ध 1945 में वो 1965 में, और तृतीय युद्ध हुआ था 1971 में। तीनों युद्धों को अच्छी तरीके से याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां कह रहा है दस राग युद्ध के बारे में क्या होता है, वो आप देखिए। यहां बोला गया है कौरव पांडव युद्ध में से प्राप्त शिक्षा। देखिए कौरव और पांडव में जब युद्ध हुआ था तो हमें उससे कौन सी शिक्षा मिली है, समझ रहे हैं ना।
जब कौरव और पांडव के बीच में जब युद्ध हुआ था तो हमें उस युद्ध से कौन सी शिक्षा प्राप्त हुई है, उस शिक्षा के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है? चलो बेटा चलो चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लो, टिक लगा लो बेटा, टिक लगा लो, जबरदस्त। ये सारे क्वेश्चन हमारे नोट्स मिल जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से, नोट्स को डाउनलोड कर लेना, बहुत कम पैसे में हम आपको नोट्स दे रहे हैं। यहां देखिए, यहां कह रहा है सिकंदर द्वारा झेलम नदी पर पाया जा, देखो पार करना, झेलम के संग्राम की महत्वपूर्ण घटना थी, कथन की व्याख्या करिए। ये कथन आपसे पूछा जाता है, सिकंदर द्वारा झेलम नदी को पार करना झेलम के संग्राम के महत्वपूर्ण घटना थी, इस कथन को आपको व्याख्या करना है। इसका मतलब क्या है? यहाँ कौटिल्य फिर से आ गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौटिल्य के राज्य मंडल सिद्धांत के बारे में आप देख लेना। और यहां है आघात अमर तंत्र से आप क्या समझते हैं, इसको पढ़ लेना। मुगल कालीन तोप खाना पर टिप्पणी, मुगल कालीन के जो तोप खाना थे वो कैसे थे उसके बारे में थोड़ा सा आप इसको याद कर लेना। लास्ट में बस यही क्वेश्चन करूंगा, बाकी कुछ नहीं पढ़ना। ये है सिक्कों के पतन होने का कारण, मैं ऊपर बता चुका हूं कि सिक्के कैसे हारे थे, कैसे हारे उनके बारे में बताइए। लॉर्ड जो किचनर थे उनके सैन्य सुधारों के बारे में, यहां है कश्मीर समस्या की निराकरण हेतु विकल्प बताना है, मतलब निराकरण किस तरीके से कर सकते हैं कश्मीर की समस्या का, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर देना है। ओके समझ रहे हैं? उसके बाद है ऑपरेशन विजय, मोस्ट इंपोर्टेंट, ऑपरेशन विजय इज मोस्ट इंपोर्टेंट है। और यहां है धर्म युद्ध और कुट युद्ध क्या होता है, धर्म युद्ध और कुट युद्ध क्या होता है। अब बस ये क्वेश्चन थे जो आपके 2022 में जो पेपर होने वाला है उसमें आने वाले क्वेश्चन, आप इन क्वेश्चनों को याद करके 85% प्लस लाएंगे। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको फेल करने वाला कोई पैदा नहीं है यूनिवर्सिटी के अंदर, समझ रहे हैं? आप इस तरीके से पढ़ाई करिए, अच्छा करना है कुछ, ठीक है? अब कुछ अच्छा करना है, और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बाकी मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।